आज आज इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, आप जहाँ पे आए हैं सेवा भारती के आश्रम में, तो क्या निर्णय किया है आपने, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है, रजौरी ह्यूमन राइट्स विंग जो है उन सबके साथ आज यहाँ रजौरी दक्ष हॉस्टल सेवा भारती की ओर से जो दसम में बनाया गया वहाँ आना हुआ। बड़ा मन प्रसन्न हुआ, यहाँ बच्चों को देखकर, बच्चों का जुनून देखकर, बच्चों के जज्बे देखकर, ये अपने घर परिवार से दूर अलग अलग भिन्न भिन्न इलाकों से आकर यहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इन बच्चों का मनोबल देखकर आज बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और आज ह्यूमन राइट्स रजौरी विंग ने ये डिसाइड किया कि आज हम इन बच्चों के बीच जाएंगे और हर महीने एक दिन बीच में रखेंगे कि यहाँ इन बच्चों के बीच आएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, ताकि इन बच्चों का मन भी हल्का हो, ये अपने मन की बात हमसे कर सकें, हम भी इनके साथ अपने मन की बातें कर सकें और इनकी उन्नति, देश की उन्नति के लिए, रजौरी की उन्नति के लिए मिल बांट कर हम लोगों का जो भी इसमें सहयोग होगा वो सहयोग मिल बांट कर करेंगे, और ताकि हमारा देश, ये जो हमारा आने वाला भविष्य है, ये भविष्य जो उज्जवल हो, इन बच्चों के जो आने वाला फ्यूचर है ब्राइट हो, ये बच्चे यहीं से, इस दक्ष हॉस्टल रजौरी से, यहाँ से क्रीम निकले, कोई IAS जाए, कोई KS जाए, कोई डॉक्टर जाए, कोई आर्मी ऑफिसर जाए, इन्हीं सब शब्दों के साथ। और ह्यूमन राइट्स विंग की ओर से आज बच्चों को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की गई, बच्चों के खाने पीने का सामान जो भी पॉसिबल हो पाया वो लाया। मैं मन की गहराइयों से यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनका धन्यवाद करता हूँ, रजौरी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और यहाँ की मैनेजमेंट जो इन बच्चों की देख रेख में कोई कोताही नहीं बरत रही, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, इन बच्चों के साथ रहकर, इन बच्चों के बीच रहकर, इनका भविष्य बनाने के लिए वो इनके साथ हर पल खड़े हैं।